everyone, so my this particular video is related to how much should you focus the cutoff of previous years for admission into various higher educational courses in various institutes in India post GATE. So let me tell you honestly one thing. Every year, as you know, GATE paper is different and GATE scores vary. Every year the scores vary tremendously. This year also GATE ki scores mein variation bahut zyada hai. अगर हम पिछले साल का कट ऑफ लेके डिसाइड करेंगे कि क्या ज्वाइन करना है, इट कैन बिकम यू नो ब्लंडर. एक्चुअली इट इज नॉट दैट वे. ह्यूज वेरिएशन होता है स्कोर रिक्वायरमेंट्स में ईयर टू ईयर बेसिस. नंबर टू, जो कट ऑफ होते हैं, गेट स्कोर कट ऑफ फॉर एडमिशन जो आईआईटी रिलीज करता है, वो बेसिकली एमटेक प्रोग्राम के लिए होते हैं, नॉर्मली एमटेक प्रोग्राम्स, और वो भी वो एमटेक प्रोग्राम्स जिनमें इंटरव्यू नहीं होता. आप जानते हैं 40% एमटेक प्रोग्राम्स में देयर इज अ इंटरव्यू आल्सो. एमएस इज ऑलवेज इंटरव्यू, पीएचडी इज ऑलवेज इंटरव्यू. सो एमएस और पीएचडी के लिए तो वैसे ही कट ऑफ नहीं होते, गेट स्कोर के कट ऑफ नहीं होते, वो रिलीज नहीं करते आईआईटीज, रेयरली रिलीज करती कुछ कुछ आईआईटीज. सो व्हेन देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन गेट स्कोर्स, जो इस साल बहुत ज्यादा होने वाला है बिकॉज पेपर अलग था. सो पिछले सालों के गेट स्कोर ओनली बिकम्स सम बेसिकली ट्रेंड, इट कैन नॉट बी ब्लाइंडली फॉलोड. बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा और बोला कि सर पिछले साल गेट स्कोर 650 पे कॉल आ गई है, मेरी 630 है, तो मैं अप्लाई करूं कि ना करूं. अब इतने स्ट्रिक्टली अगर तुम फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें कॉल ही नहीं आएगा कहीं से. डोंट डू दैट. ये बेसिकली आपको पिछले सालों के कट ऑफ देख के एग्जैक्टली वैसा डिसीजन लेना, ये बहुत गलत है. गेट कट ऑफ मैंने पहले भी पिछले साल भी वीडियोस मैंने डाला था आईटी बॉम्बे के एक प्रोग्राम को लेके, कट ऑफ्स में ह्यूज वेरिएशन होता है. तो फिर करें कैसे? आपको बहुत से फैक्टर देखने होते हैं कि इस बार पर्टिकुलर गेट स्कोर पे ऑल इंडिया रैंक कितना है, कितने स्टूडेंट्स हैं उस पे. ये डिसाइड करता है कि आपको पीएसयू से कितने गेट स्कोर पे कॉल आएगा, किसी पर्टिकुलर कोर्स पे कितना कॉल आएगा. इसलिए यूरोपीडिया के जो मेंटर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करो. बहुत से ऐसे लोगों ने इस बार, मैं बोलूंगा कि वो मेंटरिंग करना स्टार्ट कर दिया पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग, जिनको खुद आइडिया नहीं है बहुत चीजों का. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, आई मीन दे मस्ट बी पुटिंग एफर्ट एंड ऑल, वो सही है, लेकिन आइडिया नहीं है तो वो स्ट्रिक्टली बच्चों को कट ऑफ के बेस पे, कट ऑफ दिखा दिया उसके बेस पे बोल रहे हैं आप एडमिशन इस हिसाब से करना, अप्लाई करना स्टार्ट करो. कट ऑफ इज नॉट द क्राइटेरिया एंड दिस आई प्रूव्ड अगेन एंड अगेन ईयर आफ्टर ईयर. पिछले 3-4 साल से मैं वही वीडियोस बनाता हूँ और तुम्हें बताता भी हूँ कि कट ऑफ जो है वो ट्रेंड है, वो क्राइटेरिया नहीं है. कि पिछले साल सर 650 पे इस डिपार्टमेंट में कॉल आई थी, इस बार भी 650 पे कॉल आएगी, बिगेस्ट मिस्टेक. ऐसा नहीं होता. ह्यूज वेरिएशन होते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट चेंज होता है, गेट स्कोर की वेरिएशन होती है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. सो प्लीज लिसन टू द मेंटर्स ऑफ योर पीडीएफ व्हाट दे आर गाइडिंग एंड अकॉर्डिंगली फिल द फॉर्म. प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ्स आर basically one data, one statistics, but it cannot be blindly followed to take admission or to apply in the courses. Listen to me carefully and accordingly apply so that you don't make mistakes and opportunities open up for you. I hope I made my point clear. So follow this kind of things so that you open more opportunities for you. All the very best. Thank you.